सनराइजर्स हैदराबाद की ब्लॉकबस्टर रिटेंशन, हेनरी क्लासन से लेकर पैट कमिंस तक, अभिषेक शर्मा से लेकर नीतीश रेड्डी तक, ये रहा आप सब लोगों के सामने मेरा भाई। पैट कमिंस को 18 करोड़ दिया है, अभिषेक शर्मा को 14 करोड़, नीतीश रेड्डी को 6 करोड़, हेनरी क्लासन को 23 करोड़। क्या मजाक चल रहा है कि सबसे एक्सपेंसिव रिटेंशन आईपीएल 2025 का हेनरी क्लासन को, और ट्रेविस हेड भाई ये टुल्ले को 14 करोड़ देकर इन्होंने रखा है। लेकिन काव्या चाहती है सब बैटर्स को खिलाऊंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब बैटर्स को खिलावा दिया, लेकिन बॉलर्स का क्या, गेंदबाजों का क्या, भुवनेश्वर कुमार को इन्होंने छोड़ दिया, ये कह रही है काव्या। तो भाई मैं ऑक्शन में जाकर जितने पर्स बचे हैं उनसे खरीद लूंगी। सबसे कम अगर किसी का पर्स बचा हुआ है शायद इन्हीं का, सनराइजर्स हैदराबाद का ये। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये ब्लॉकबस्टर, कुछ दिन पहले ही ये रिटेंशन की लिस्ट आ गई थी, एज एक्सपेक्टेड ही था, और वैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद ने ह्यूज अमाउंट एक्सपेंसिव और लुटाया है इन बैटर्सों के लिए और कप्तान पैट कमिंस के लिए। डेफिनेटली हेनरी क्लासन अगर ऑक्शन में जाता कम से कम ये 20 से 23 करोड़ में जरूर बिकता भाई। ये जो है मैं जो रिटेंशन हेनरी क्लासन को ये अमाउंट जो दिया है डेफिनेटली डिजर्व करता है। कुछ लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि हेनरी क्लासन को ज्यादा दे दिया, कुछ नहीं है, हेनरी क्लासन 23 करोड़ डिजर्व करता है, अभिषेक शर्मा भी 14 करोड़ डिजर्व करता है मेरे भाई। क्या आपको लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद 2025 का आईपीएल जीतेगी? हालांकि फाइनल जरूर खेले थे 2024 में, लेकिन 2025 का आईपीएल जीती नहीं थी ये टीम। लेकिन इन टुल्लों को रखकर, ट्रेविस हेड से लेकर हेनरी क्लासन, ये जो टुल्ले है ना भाई, धुआंधार पारी खेलते हैं। फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए।